हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का एपिसोड बेस्ट मिस्टेक सीरीज का लास्ट एपिसोड है। आई होप कि अभी तक के सारे एपिसोड आपको पसंद आए होंगे। चलिए फिर देखते हैं कि बेस्ट मिस्टेक ड्रामा का एंड कैसे होता है। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि किम थर्ड फ्लोर पर फंस जाती है। वो अकेली डरी सहमी बैठी होती है और उसे लेने जी ह्यूनो वहाँ आ जाता है। आगे कहानी में किम रोते हुए जी ह्यूनो से कहती है कि तुम इतनी लेट क्यों आए, पता है मैं कितना डर गई थी। वो उसे चुप कराते हुए कहता है कि तुम डरी हुई लग रही हो, अब सब ठीक है। किम उसे आने के लिए थैंक्स कहती है। वो कहती है कि मैं बेहोश होने वाली थी, तुमने मुझे ढूंढा कैसे। जी ह्यूनो उसे बताता है कि तुम मुझे कहीं दिखी नहीं तो मैं तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ आ गया। अब जी ह्यूनो को उस कार्ड रीडर की बातें याद आती है कि उसका किम को लाइक करने से खुद को रोक पाना इम्पॉसिबल है, तो वो किम से फाइनली बोल देता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। उसी टाइम किम को ढूंढते हुए जूहो भी डोर के पास आता है और ये बात सुन लेता है। रियो भी वहाँ आकर उन दोनों को देखती है और अंदर जा रही होती है, लेकिन जूहो उसे वापस ले जाता है। रियो जूहो से कहती है कि क्रशेस की दुनिया में तुम्हारा स्वागत है। जूहो उससे पूछता है कि तुम्हारा क्रश कौन है, तो रियो उसे बताने से मना कर देती है। उधर जी ह्यूनो किम से कहता है कि तुम तो मैथ्स प्रॉब्लम से भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं तुम्हें कितना पसंद करता हूँ, लेकिन मैं खुद ये नहीं समझ पा रहा हूँ, क्या तुम मुझे ये समझने में मेरी मदद करोगी। किम उसे कहती है कि जब पहले मैंने झूठ कहा था कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ तो तुम बहुत गुस्सा हुए थे, तुमने कहा था कि मैं भरोसे के लायक नहीं हूँ। जी ह्यूनो कहता है कि अगर तुम्हें ये पसंद नहीं है तो रहने देते हैं, और ऐसा कहकर वो उठने लगता है तो किम उसे रोक लेती है और मान जाती है। वो दोनों रियल के गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन जाते हैं। जी ह्यूनो क्लास में स्टडी कर रहा होता है तो किम उसके पास आकर कहती है कि तुम्हारे माइंड में क्या चल रहा है, तुमने तो कहा था कि मैं मैथ्स की प्रॉब्लम से भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हूँ। जी ह्यूनो कहता है कि मैं गलत था, मैथ्स तुमसे 100 गुना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। किम उसको देख रही होती है। अब जी ह्यूनो नजर उठाकर उसे देखता है। किम बहुत सुंदर लग रही होती है। जी ह्यूनो उसकी तारीफ करना चाह रहा होता है, लेकिन वो उसे कुछ कह नहीं पाता। वो उसे कहती है कि तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मैं बहुत समझदार हूँ। जी ह्यूनो किम का हाथ पकड़ना चाहता है, लेकिन किम खुद उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि मैं इन चीजों में तुमसे ज्यादा अच्छी हूँ और मुझे ये करना पसंद है। रियो और जूहो दोनों ड्राइंग बना रहे होते हैं। रियो कहती है कि मैं अपनी शादी में अपना मेकअप खुद करूंगी। जूहो कहता है कि तुमसे शादी कौन करेगा, तो वो कहती है कि तुम परेशान मत हो, वो तुम नहीं हो। जूहो कहता है कि तुम्हारी ये बात सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ, और फिर वो दोनों हंसने लगते हैं। किम जी ह्यूनो को मैथ्स की प्रॉब्लम समझा रही होती है। तभी एक स्टूडेंट आकर कहता है कि जी ह्यूनो को टीचर बुला रही है। जी ह्यूनो क्लास के बाहर जाता है, लेकिन फिर वो वापस आता है और जोर से सीरियस आवाज में किम का नाम बुलाता है और उसके पास आकर सीरियस होकर पूछता है कि क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। किम हंसते हुए हाँ कहती है। सारी क्लास उन्हें देखकर हंसने लगती है और बेस्ट मिस्टेक का लास्ट एपिसोड यहाँ खत्म हो जाता है। आपको ये एपिसोड और ये सीरीज कैसे लगी मुझे जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।